इस बार का जो जन्माष्टमी का पंडाल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनने वाला है। चलो आपको दिखाता हूँ उसका एक छोटा सा प्रीव्यू। ये है स्कॉन चौक और यहाँ पर इस तरह के जन्माष्टमी के बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं और ये वाला जो रोड है एकदम सीधा टेंपल की तरफ जा रहा है। और द्वारका में आपको इस तरह के बोर्डिंग्स कई जगह देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि 7 तारीख को बार बार रिमाइंड करा रहा है कि 7 तारीख को जन्माष्टमी है। और ये जो बना रखा है ये शायद सिक्योरिटी या गार्ड वगैरह का खड़े होने के एक जगह बनाई गई है ताकि वो थोड़ा सा ऊपर खड़े होकर सब पर नजर रख सके। और ये बैम्बू से सामने बना रखा है मेन गेट जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट तैयार हुआ है। इसको अभी कवर अप करा जाएगा शायद टेंट की मदद से या कपड़े की मदद से। और यहाँ पर साइड में बल्ब भी लगा रखे हैं, रात काफी अच्छा दिखेगा। ये उस साइड इसलिए नहीं लगाए होंगे, पेड़ की वजह से स्पेस नहीं मिल रहा होगा, बट इस साइड लगा रखे हैं। पीछे ग्रीन थे और आगे जाकर तीनों वाइट कर दिए। मुझे लगा कि तिरंगे की फॉर्म में बनाएंगे बट ये भी अच्छा है। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लगा रहा है, यहाँ पर एक बीच में रेड कलर का आ गया है बल्ब शायद गलती से, या पेंट कर रखा है पता नहीं क्या है। और यहाँ पर एक और हमारे को बोर्ड मिला है जो कि जन्माष्टमी को फिर से रिमाइंड करा रहा है। द्वारका में आपको इस तरीके के बोर्ड हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी रोड पर सीधा चलकर राइट साइड में हमारा है गुरुकुल जहाँ पर चलती है स्पिरिचुअल क्लासेस। अंदर गार्ड साहब दिख रहे हैं। आगे जाके हमारे को नए तरीके के बोर्ड और देखने के लिए मिले। ये रहा हमारा स्कॉन टेम्पल द्वारका का। सामने गोविंदा रेस्टोरेंट दिख रहा है और वो जो नया टेंपल बन रहा है उधर कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिख ही रहा होगा। और इसी के ठीक राइट साइड में अपोजिट में एक व्यू दिखा देता हूँ आपको, फिर इसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर का व्यू चेक करेंगे। बहुत ही अमेजिंग बन रहा है इस बार। ये ऊपर एक भगवा रंग का झंडा लगा रखा है। चलो अब चलते हैं इसके अंदर। ओ माय गॉड, यहाँ पे झूमर से डेकोरेट कर रखा है। चलने के बाद और अमेजिंग दिखेगा, अभी से ही इतना अमेजिंग दिख रहा है। ये एंट्री गेट है, पंखे भी लगा रखे हैं। शायद इसके अंदर एसी भी लग सकता है बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है देख के कि एसी लगेगा, लेकिन फैन है तो लाइटिंग वाइटिंग तो लग गई है। मैट भी ऑलमोस्ट बिछ ही चुका है। बड़े वाले कूलर है तो मतलब एसी नहीं लगेगा। फराटे है, एलईडी लाइट्स है बड़ी वाली, और चेयरें भी है काफी सारी। इस साइड भी है, इस साइड तो और लंबा है। OMG, ये रहा स्टेज इसका। चलो थोड़ा सा चलते हैं स्टेज के पास। और ये देखो यहाँ पे और झूमर और डेकोरेट कर रखा है, ये काफी अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ये थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखो बड़ा वाला झूमर, ये दैट्स अमेजिंग। इसे लगाने के बाद शायद मेरे को नहीं लगता कि LED लाइट्स की जरूरत भी पड़ेगी। वो रहा सामने हमारा स्टेज। और ये क्या है, घंटियां हैं। स्टेज देखते हैं पहले, तो नॉर्मल प्लेस से 5 फीट ऊपर है स्टेज और उसका बैकग्राउंड मोर से डेकोरेट कर रखा है। और पीछे शायद LED लाइट्स भी दिखेगी ताकि वो अच्छे से विजिबल हो पाए। ये क्या है, ये घंटियां लग रही है मुझे तो। और ये शंख, भैया से पूछते हैं क्या है ये। भैया ये क्या है, घंटी है ये? घंटी है, तो कहाँ लगेगी ये? गेट पे। भैया ने बताया कि गेट पे लगेगी ये, और शंख शायद डेकोरेट होगा स्टेज पे, स्टेज डेकोरेट होगा इससे। ये रहा रास्ता स्टेज पे जाने के लिए, यहाँ से स्टेज पे जाएंगे। बैकग्राउंड भी दिखाता हूँ स्टेज का बैकग्राउंड कैसा है। ऑलरेडी कूलर लगा रखा है यहाँ पे, इधर से भी एक सीढ़ियाँ दे रखी स्टेज पे जाने के लिए। और रास्ते में हमारे को फुग्गे भी मिले हैं, फुग्गे से भी डेकोरेट होगा, इसके अंदर बल्ब लगाए जाएंगे। और यह है पिटारा, पिटारा क्या है, पिटारे के अंदर देखें एक बार खोल के। चलो देखते हैं। घास और पूस, मुझे लगा कुछ डेकोरेट के लिए कुछ सामान आया होगा बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आया भी होगा तो शायद निकाल लिया इसके अंदर से। पिटारे के अंदर कुछ भी नहीं मिला हमें। और आते हैं 7 तारीख को जन्माष्टमी को। पंडाल से थोड़ा सा आगे हमारे को इस तरह से टेंट देखने के लिए और मिल गया। इसके नीचे शायद स्टॉल्स लगेंगे, शायद पानी का, जूस का या प्रसादम का, और शायद शू रैक जो लगते हैं वो वहाँ लगेगा। सामने दिखा देता हूँ आपको, चलते हैं हम शू रैक की तरफ जहाँ पे शू रैक्स होते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। यहाँ पर एक और बोर्ड और यहाँ पर एक और बैम्बू से स्टेज बना रखा है सिक्योरिटी के खड़े होने का। और ये जरूरी भी है क्योंकि नीचे से तो सब नहीं दिखेगा बट ऊपर से वो हर एक व्यक्ति के ऊपर नजर रख सकते हैं। और ये सिक्योरिटी जरूरी भी है कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। ये देखिए टेम्पल का मेन गेट भी सजाया जा रहा है,
अभी खाली ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, इसके बाद फूलों और आर्टिफिशियल फ्लावर से भी डेकोरेट किया जाएगा इसको। ये देखिए यहाँ पर होता है शुरेक। इधर आप अपने चप्पल जूते जमा करा देना, उस दिन पन्नी मिलेगी, पन्नी में अपने शूज चप्पल वगैरह यहाँ पर जमा होंगे। यहाँ ये कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, इसके एकदम ठीक अपोजिट में इधर ये टेंपल, ये है हमारा स्कोन टेंपल द्वारका का, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और शायद नेक्स्ट जन्माष्टमी हम यहीं पे सेलिब्रेट करें, इसी के अंदर सेलिब्रेट करें। हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्णा मीन्स हाईएस्ट प्लेजर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2023। और यहाँ पे KEE ने अपनी ब्रांडिंग प्रमोशन भी कर रखा है, और ये टंकियाँ हैं जो बड़ी बड़ी वो हमारे टेम्पल में लगेगी, दो इधर है दो और है अंदर की साइड भी और भी है। चलो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो जन्माष्टमी आ रही है उसके साथ शेयर करना, और जन्माष्टमी को 7 तारीख को जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी को आप जरूर आए, शाम के टाइम आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है और पूरा दिन रहेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। चलो ओके बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।